अब विदेशों में रह रहे लोगों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, जो लोग विदेशों में रह रहे हैं और ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, एक सफल ज्योतिष बनना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्लास शुरू होने जा रही हैं। संपर्क करें 9811-44156 9999-88-60-90। नमस्कार, आज है 12 मार्च 2019। मेष राशि के दर्शकों, आपके लिए आज उच्च के चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, जो कि अच्छा है। चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं धन की वृद्धि का योग बनाएंगे, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठेंगे मेष राशि वालों के लिए, और ऐसी राशि में बैठेंगे जहाँ बैठ करके उनको बल मिलता है, और ऐसी राशि में बैठेंगे जहाँ वो धन पर आ गए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आज आर्थिक तौर पर आप मजबूत होंगे, लाभ की स्थिति भी अच्छी रहेगी। बात करते हैं वृष राशि की। आपके लिए आज केतु शनि की युति अष्टम भाव में अच्छी नहीं है, आपके लिए हानि पीड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पर रहेगी, मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी कार्य करें, बस सोच विचार करके करें, सुनियोजित तरीके से करें, और बड़े लोगों का प्यार इसमें आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि के दर्शकों, आपके लिए आज का जो दिन है वह खर्च स्थान के ऊपर उच्च के चंद्रमा रहेंगे, तो खर्चे धार्मिक कार्यों पर वह उच्च के खर्चे होंगे, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ लग्न में और सप्तम भाव में राहु केतु और शनि का प्रभाव वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। बात करते हैं कर्क राशि की। आज कर्क राशि की जो स्थिति है वह लाभ के लिए अच्छी है, वह नौ सरकारी नौकरी वालों के लिए अच्छी है, पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। सिंह राशि, कर्म भाव की मजबूती होगी, मन प्रसन्न रहेगा, मेहनत का रिजल्ट आज आपको प्राप्त होगा। कन्या राशि के दर्शकों, आज का दिन आपके लिए भाग्य वृद्धि वाला रहेगा, पर नौकरी में बहुत सतर्कता व एक्टिव होकर कार्य करिए, लापरवाही नहीं बरतनी है। तुला राशि, सप्तम भाव में उच्च के मंगल रहेंगे, वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा बेटर करेंगे, और रोग स्थान में चंद्रमा रहेंगे, जिस वजह से रोग में वृद्धि करेंगे, थोड़ा ध्यान रखिए। और यहाँ पर धन भाव के वाणी भाव पर गुरु बैठे हैं, तो इस चीज़ की वृद्धि करेंगे, यानी कि सुंदर व अच्छा समय आपके लिए यहाँ पर धन लाभ के लिए रहेगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए भी आज समय अच्छा है, गज के सी राजयोग बन रहा है आपकी राशि में, सुंदर ग्रहों का प्रभाव है, इसीलिए आप कार्य कर सकते हैं, मन लगा के मेहनत करिए। धनु राशि, आपके लिए आज छठे भाव पर चंद्रमा रहेगा, जिस वजह से रोग की स्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी, शत्रु परेशान करेंगे, अनायास मानसिक तनाव यहाँ पर बढ़ेगा। मकर राशि, बुद्धि भ्रमित होगी, डिसीजन गलत हो जाएंगे, जो कार्य करेंगे उसमें इतनी सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए बहुत ही सोच समझ के विचार करके कार्य करें। कुंभ राशि, आपके लिए आज उच्च के चंद्रमा मन पर रहेंगे, मन मजबूत होगा, सुख साधनों में वृद्धि होगी, नई गाड़ी वाहन आप खरीद सकते हैं। मीन राशि, नीच के चंद्रमा आपकी राशि में आज रहेंगे, जिस वजह से आज आप गलत दिशा में, गलत लोगों की संगति में, वह आज स्वयं के डिसीजन जो हैं वह गलत हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखें। यह था आज का राशिफल। अगर आप ज्योतिष का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी 15 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।